नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार मेरे। इस वक्त नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि नेपाल ने जो भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है उसके सुलझान के लिए एक बहुत बड़ा बयान है जारी किया है। वो क्या है पूरी खबर, मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है न्यूज़ कि नेपाल भारत सीमा मुद्दों को राजनीतिक कूटनीतिक माध्यम से हल किया जाना है। और सत्तारूढ़ी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने कहा है शुक्रवार को केपी शर्मा ओली और उसके प्रतिनिधित्व जो पुष्पा कमल दहेंड प्रचंड के बीच एक सत्ता साझाकरण समझौता हुआ, जिसमें सहमति जताई गई है कि जो विवाद चल रहा है उसे समाप्त कर दिया जाए। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि सीपीएम के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि बलुवतार में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 13 स्तरीय सदस्यीय शक्तिशाली स्थायी समिति की बैठक में नेपाल और भारत के बीच सीमा मुद्दों को राजनीतिक एवं कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने का फैसला किया गया। जी हां दोस्तों, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो केपी शर्मा ओली हैं और दहेंड प्रचंड हैं वो अपने कार्यभार को अच्छे से संभालेंगे और सरकार को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा केपी शर्मा ओली और उसके बीच हुई मीटिंग में यह भी कहा गया कि जो भारत और नेपाल के बीच सीमा मुद्दा चल रहा है उसको भी जल्द से जल्द अब निपटाएंगे और इसे चैप्टर को क्लोज करेंगे, इसके निर्णय को एकदम अच्छे तरह से स्टडी करेंगे। इसमें क्या है जमीन का मसला, किसकी ये जमीन है और क्यों है वे जमीन किसकी, यानी कि भारत की जमीन है या नेपाल की जमीन है, इसके लिए बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है चंद ही दिनों में। और उस मीटिंग में ये पुख्ता फैसला लिया जाएगा कि ये जमीन किसकी रहनी चाहिए और किसकी नहीं रहनी चाहिए, उसके पश्चात ये फैसला हो जाएगा और फैसले के पश्चात जो सीमा विवाद है उसे समाप्त किया जाएगा यहीं पे। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी न्यूज़। और अगर आपको चैनल न्यूज़ पसंद आई है तो न्यूज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।